Hello everyone, good morning and welcome back to my channel again friends. अभी ना मॉर्निंग के बज रहा है 6 AM और मैं बिल्कुल उठ चुकी हूँ. टू बी ऑनेस्ट इतना सुबह हम नहीं उठ पाता है, बट आज हम लोग का घर में मोनू है ना, सो थोड़ा जल्दी उठना पड़ रहा है. उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना है और पानी गर्म सबसे मुझे पहले करना है. तो सबसे पहले मैं अभी करने जा रही हूँ पानी को गर्म. तो मेरा वीडियो में आप लोग बने रहिए. और आप सब कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स. फिलहाल तो हम लोग देख सकते हैं मैं किचन पे हूँ. पूरा फ्रेश अप होने के बाद मैं आ गई हूँ किचन पे और बाल पूरा बिखरा हुआ है. मैंने अच्छा से भी कॉम नहीं किया, बट इट्स ओके, आप लोग मेरा अपना ही है. तो लेट्स स्टार्ट, अभी ब्रेकफास्ट बनाएगा. और ब्रेकफास्ट नहीं बनाने से पहले मैं अभी करने जा रही हूँ पानी को गर्म. और पीछे आप लोग देख सकते हैं, हाय, यहाँ में बॉयल हो रहा है बेम्बू शूट. अभी हम इसको अच्छा से पकाएंगे. आफ्टर दैट हम इसको बनाएंगे बेम्बू की फ्राई. यहाँ पे है प्याज एंड मिर्चा की पेस्ट. तो लेट इट कुक प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट विल फ्राई. 1 hour later. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है फ्राइड राइस और ये है स्टिकी राइस, रेड स्टिकी राइस. और यहाँ पे है चिकन. इसको ना फ्रेंड्स मैंने क्या कल रात को बनाया था स्पेशली खास करके मोनो के लिए, रेड स्टिकी राइस. और यहाँ पे है बॉयल की सब्जी, पीनट चटनी. सो हम लोग का ब्रेकफास्ट भी रेडी है. अभी हो गया है 7 AM और हम दोनों ने बना के पूरा कंप्लीट कर दिया है. अभी लास्ट में हम दोनों पकाने वाले हैं बैम्बू की फ्राई. सारा आइटम हो गया है कंप्लीट, ओनली बैम्बू पार्ट लेफ्ट. तो आप लोग मेरा वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स. और ख़ास करके जो लोग नया है ना मेरा चैनल में, आप सभी को ज़्यादातर तो हम कुकिंग का ही अपलोड करते हैं. और जो मेरा डेली लाइफ रूटीन है मंडे टू फ्राइडे मैं वही पोस्ट करती हूँ. आप लोग बोरिंग मत हो जाइए. और सैटरडे संडे वो मेरा वीकेंड डेज होता है. तो सैटरडे एंड चलो यहाँ पे मिर्चा और प्याज भी एड कर दिया है. इसको थोड़ा सा अच्छा से फ्राई करने देगा ना. आफ्टर दैट विल एड बैम्बू शूट. अभी नमक भी डाल दिया, हल्दी. अभी प्याज अच्छा से फ्राई हो चुका है. अभी हम लोग ऐड करने वाला है बैम्बू शूट. तो लास्ट में हम लोग ऐड करने वाला है मसाला पत्ता. आप देख सकते हैं. आपसे मिलने के बाद पता है, हर चीज फर्स्ट टाइम हो रहा है. एकदम स्लाइस स्लाइस छोटा सा. तो लास्ट में हम लोग डालने वाला है लोकल मसाला पत्ता, सबरांग. सबरांग आप लोग क्या बोलते हैं? पंजाब चकमा में बोलता है सबरांग. हमारे लैंग्वेज से बोलते हैं पंजाब में. और हम लोग बोलते हैं बोगा सलोपी. की बोगा सलोपी. ये एक अच्छा लगता है खाने में. कल क्या कर लो, क्या मैं चिकन है Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday. आज है हम तो बार कोई नहीं जानता सीरियस में.
कम खाए डाइट मेंटेन पूरी डाइट मेंटेन ना है आजकल तो डाइट मेंटेन ना है कुछ भी खाना भाई हम लोग सोचता था मनु पर दबाता है वीडियो में तो ऐसे दिखाई देता है लेकिन बिहाइंड दिस सीन बहुत डाइट मेंटेन करता है यस मेंटेन का दबाना आ चुका है ए फ्यू मिनट्स लेटर মই আকৌ প্ৰেগনেণ্ট হৈ গৈছো যা মতা মানুহ প্ৰেগনেণ্ট হ'লে এৰাই আছে ঠিকে আছে তেনেহ'লে আপুনি জনাই লৈ ভাই নাই বিদ উপায় নাই এইটো জানো খানা काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता रात को तेरी बाहों में तकिए के नीचे छोटा वंस मोर कहना प्यार है गाता है हो गया ना पट्टे लगे से जा दिखा दे उसको तो दिखा दिखा रोपाल दिखाओ Two hours later. तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ काम जाने के लिए और बाहर आप लोग देख सकते हैं बहुत धूप दे रहे गाइस हम लोग रेडी हो चुका है और जा रहे हैं अभी हम काम के लिए और भाई साहब दोनों आके आप लोग देख सकते हैं तो ना गाइस अभी मेरा हो गया है लंच ब्रेक मैं घर जा रही हूँ लंच के लिए सबसे पहले तो मैंने ना बनाना है लंच उसके बाद मैं खा के फिर सेकेंड हाफ ड्यूटी के लिए मैं चली जाऊंगी ये 1-2 hours के बिटवीन ना गाइस हम ज़्यादा लेंदी शूट नहीं कर पाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे बना के फिर वापस भी तो जाना है ना तो आप लोग मेरा वीडियो शॉर्ट होने से भी लेंदी होने से भी आप लोग स्किप ना करें आप लोग देखते रहिए बाहर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज धूप दे रहे और वेल हाउ कैन आई मिस ऑल दैट माई फेवरेट प्लेस तो ना गाइस अभी हो गया है मेरा लंच ब्रेक यहाँ पे मैंने प्लेट पे लिया है राइस और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आलू और चना की ग्रेवी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये है आलू और केबेज की फ्राई और यहाँ पे है एग सो या फ्रेंड्स अभी मैं लंच जल्दी से करूँगी फिर आफ्टर डेट मैंने जाना भी है ड्यूटी के लिए तो ना अभी हम जा रहे फिर से घर में वापस आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड हाफ ड्यूटी तो अभी फाइनली मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है तो मैं जा रही हूँ घर पे तो ना फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी ठीक है क्योंकि ना मुझे फिर से शूट करना पड़ेगा कल के लिए और आज का व्लॉग जो मैं अभी बना रही हूँ वो आज नहीं जाएगा वो कल ही जाएगा क्योंकि मॉर्निंग में जितना भी हम शूट करते हैं वो तो हम डायरेक्ट हम अपलोड नहीं कर सकते मुझे यू नो एक दिन का समय चाहिए होता है तो गाइस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ और जो लोग चैनल पर नया है ना आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कर देना एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल फ्रेंड्स तो मिलते हैं बाय बाय